साइबर समाचार में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर, पुराने मोबाइल फोन बन रहे हैं साइबर ठगी का नया हथियार। साइबर अपराधी आप पुराने और खराब मोबाइल फोन का उपयोग धोखाधड़ी के लिए कर रहे हैं। ये फोन तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों से बिचौलियों द्वारा खरीदे जाते हैं और फिर साइबर अपराधियों को पूरे भारत में बेचे जाते हैं। तेलंगाना पुलिस और साइबर सुरक्षा ब्यूरो के ज्वाइंट ऑपरेशन में यह नई योजना उजागर हुई, जिसमें 4000 मोबाइल फोन जब्त किए गए और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये फोन बिहार के एजेंटों द्वारा एकत्र किए जाते हैं, जिन्हें मरम्मत के बाद झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में साइबर अपराधियों को बेचा जाता है। ये फोन नकदी और छोटे सामानों के बदले में लोगों से प्राप्त किए जाते हैं। पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि वे अपने पुराने या खराब फोन अनधिकृत डीलरों को न बेचें, क्योंकि उनका उपयोग साइबर अपराधों में किया जा सकता है। पुलिस ने राज्य के अन्य साइबर क्राइम यूनिट्स के साथ मिलकर ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। जांच जारी है और अधिक गिरफ्तारी की उम्मीद है।